हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निलमास किचन। आज मैं आपके साथ हाउ टू बॉईल सिंगाड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही इजी है, जिसे हम घर में बॉईल कर सकते हैं। बाज़ार में भी बॉईल किए हुए मिलते हैं, जिसे हम परचेज करके खाते हैं। और क्योंकि ये कोरोना पीरियड चल रहा है और उसमें हमें थोड़ी सी अवेयरनेस की नीड है, तो मैं ये बाज़ार से मैंने बुलाया है और मैं इसको घर में ही बॉईल करूँगी। तो ये मैंने 1 किलो सिंगाड़े बुलाए हैं। इसको मैंने 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब जो इसकी स्टेम है, हम उसको तोड़ देंगे और सारे इसको इकट्ठा कर लेंगे एक अलग बास्केट में। ये है सिंगाड़े की स्टेम, जिसे मैंने तोड़ लिया है। और ये जो सिंगाड़े हैं, मैंने इसे एक बार वापस वॉश कर लिया है अच्छे से। अब चलिए हम इसे बॉईल करते हैं। मैंने 1 किलो सिंगाड़े लिए हैं। इसके लिए मैंने 2 लीटर पानी रखा है, या हम उतना पानी रखें जिसके अंदर हमारे ये सिंगाड़े अच्छे से डूब जाए, मतलब सिंक हो जाए उसके अंदर। और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सॉल्ट। मैंने 2 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया है। और ये जो सिंगाड़े हैं, ये भी डाल देती हूँ। मैंने गैस पर पानी 5 मिनट पहले ही रख दिया था, तो ये थोड़ा गर्म हो गया है अभी। अब हम सिंगाड़ों को पहले 10 मिनट तक बॉईल होने देते हैं, फिर हम इसको चेक करेंगे कि ये हुआ है या नहीं। इसको मैं वापस कवर कर देती हूँ। जो सिंगाड़े हमें बाज़ार में मिलते हैं, वो काले होते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर फूड कलर डाल के बॉईल करते हैं। लेकिन हमें इसके अंदर कोई भी फूड कलर नहीं डालना है। और अगर आपके पास ब्लैक कलर अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, आइए हम चेक करते हैं सिंगाड़े हुए हैं या नहीं। एक सिंगाड़ा हम निकालेंगे। इसको हम बीच में कट लगाएंगे। ये गरम है, इसलिए हमें ध्यान दे के करना होगा। और इसको निकाल के हम एक बार टेस्ट करके देखेंगे। अगर ये जैसे आलू बॉईल हो जाता है, उस तरह से सॉफ्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है हमको, 10 मिनट में ये हो ही जाता है। ऐसे हम इसको निकाल लेंगे, गरम बहुत है। और हाथ से भी हम चेक कर सकते हैं, हाँ ये अच्छे से हो गया है। तो अब हम सारे सिंगाड़े को निकाल लेते हैं। गैस मैंने बंद कर दिया है और सारे सिंगाड़े हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। सिंगाड़े हमारे बॉईल हो गए हैं। अब हम इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं, इसके बाद इसमें लगाएंगे हम कट। अब हम इसको बीच में से कट कर देते हैं इस तरह से, और ऐसे खोल खोल के रख देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। मैंने सिंगाड़े कट करके रख दिए हैं, 2 पार्ट में नहीं किए, मैंने बीच में से बस ऐसे कट किया है। और ये इधर जॉइंट ही है अभी। सिंगाड़ा जो है सीजनल फ्रूट है, और हम क्यों मिस करें इसको खाना। तो अगर हम घर में इसको लाकर बना सकते हैं तो हमें ज़रूर बनाना चाहिए। और इस फ्रूट को, सीजनल फ्रूट को, उसके सीजन टाइम पर ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।